अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप गाइस दैट यू आर फाइन एंड डूइंग गुड एंड वेल एट होम। दिस इज मी सामिया अशरफ राजपूत फ्रॉम ग्रीन पीस स्कूल। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट अगेन वी हैव स्टार्टेड अवर ऑनलाइन क्लासेस। वट एवर यू हैव डन इन योर फिजिकल क्लासेस, नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट थिंग्स, फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर्स। नाउ आई विल बी योर साइंस टीचर, आई विल टीच यू साइंस। सो वट एवर यू हैव डन इन द फिजिकल क्लासेस, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। So I'm going to start the chapter. So you have to just open your books and you have to listen each and everything carefully. Just come to the topic. Okay, students, this is unit 1. Unit 1 name is classification of living things. Chapter ka naam hai classification of living things. We have done this chapter in physical classes, so we will just have a review of this chapter. इस chapter में हमने क्या living things की classification के बारे में, कि living things की क्या classification है और living things को किन किन groups में divide किया गया है। Let's come to the next page. Classification of living things. So firstly, we have to understand this thing that everything in the world are classified into three groups. हमने इनको जितने भी living things जो है वो जितने भी चीज़ें यानी कि world में पाई जाती हैं उनको हमने तीन groups में divide कर दिया है। सम थिंग्स आर लिविंग नाउ, कुछ चीज़ें जो अभी मतलब लिविंग हैं, जो जिंदा है। कुछ चीज़ें वंस वर वंस लिविंग, जो पहले जिंदा थी लेकिन अब मौजूद नहीं है। एंड सम वर नेवर लिविंग, और जो कभी भी जिंदा नहीं थी। तो इस तरह से हमने लिविंग थिंग्स को या जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में उसमें उसको हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं लिविंग थिंग्स की, ताकि जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको किसी भी एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। तो अपनी स्टडी को हम ईजी बनाने के लिए कि हम अलग अलग ग्रुप्स में उनको पढ़ सकें, इसलिए हम लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्लासीफिकेशन हुई हुई है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और ब्लू ग्रीन एल्जी। तो ये सब क्या है और कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट जो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और बायोलॉजिस्ट ही क्या काम करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि हम उनकी स्टडी जो है वो ईजिली कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये चीज़ क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट ने लिविंग थिंग्स को लार्ज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो ग्रुप्स कहलाते हैं किंगडम्स। तो मेनली जो है वो टू किंगडम्स ही हैं जो एनिमल्स के जो लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की है साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने। दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। यानी एक जो है वो एनिमल किंगडम है जिसमें सारे एनिमल्स को रखा, और एक प्लांट किंगडम है जिसमें सारे प्लांट्स को रखा। उसमें भी क्या है, मिलियंस की तादाद में एनिमल्स और प्लांट्स हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ना कि एनिमल्स में आ सकते हैं और ना ही प्लांट्स में आ सकते हैं। तो उनको फिर मज़ीद स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया लिविंग थिंग्स को। अब वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज ग्रुप्स। तो पहली चीज़ क्या है, वायरसेस। वायरसेस क्या है, वायरसेस वो लिविंग थिंग्स हैं या वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी दोनों की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो ना ही उनको अब प्रॉपर लिविंग थिंग्स में रखा जा सकता है, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स में। तो इसलिए उसका एक अलग से ही अपना ग्रुप है, उसको वायरसेस में जो है वो उसको अलग से ग्रुप में नाम रख दिया है उसका। वायरसेस एक्चुअली क्या है, वो केमिकल से मिलकर बने हैं, वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि वो अगर वो सर्वाइव करेंगे, वो ज़िंदा रहेंगे, तो इसका मतलब वो किसी और की बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगे और वहीं पर वो रहते हैं और वहीं पर वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने से क्या मुराद है, कि वो अपनी ही बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जाहिर है कि वो जिस सेल के अंदर भी रह रहे हैं वहाँ पे वो क्या कॉज करेंगे, डिजीजेज़। यानी जिसके अंदर भी वो रहेंगे वो उसके लिए क्या है, नुकसानदेह। तो कुछ वायरसेस से जो डिजीज़ होती है उनके नाम कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज़ जो है वो वायरस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड ग्रुप इज़ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या है, प्रोटिस्ट भी वो लिविंग थिंग्स हैं जिनको ना ही एनिमल्स में क्लासीफाई किया जा सकता और ना ही प्लांट्स में। तो इसलिए ये इनका अलग ग्रुप है प्रोटिस्ट। इसमें कुछ एग्जांपल्स आती है ऑर्गेनिज्म की, अमीबा, पैरामीशियम। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल प्रोटिस्ट है। यानी इसके ये सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करता है और ये वाटर के अंदर रहता है। इसके अलावा वहीं से जो है वो अपना फूड वगैरह हासिल करता है। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्ट है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इट इज़ कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सीलिया। यानी कि आप अगर पैरामीशियम की पिक्चर देखेंगे तो इसके कॉर्नर्स पे जो है वो बहुत सारे जो है वो हेयर्स प्रेजेंट होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको सीलिया कहते हैं। और वही सीलिया जो है वो उनकी मदद करता है वाटर में मूव करने के लिए। और इसके अलावा इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट। और इसके अलावा इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, स्टमक, जो उनको खाने में और डाइजेशन में हेल्प करता है।
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूग्लिना। यूग्लिना भी एक प्रोटिस्ट के टाइप है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इसके यहाँ से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये कहलाता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या करता है, इसको वाटर में मूव करने में हेल्प करता है। कम टू द नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम यू मस्ट बी फेमिलियर विद द बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। बैक्टीरिया क्या है, छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं जो वन सेल पे कंसिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ एक शेप में नहीं बल्कि डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे राउंड, इलोंगेटेड, स्पायरल, डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं ये। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस, यानी कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल हैं वो विटामिन्स बनाने में हेल्प करते हैं, चीज़ और योगर्ट वगैरह। और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, यानी वो डिजीजेस कॉज करते हैं। कुछ जो डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड कॉलेरा। नेक्स्ट ग्रुप इज एल्जी। एल्जी को सिंगुलर यानी कि एक अगर होगा तो एल्गा उसको बोला जाएगा, और बहुत सारे होंगे एक साथ यानी कॉलोनी में पाए जाते हैं तो उसको एल्जी कहते हैं। एल्जी भी क्या है, एल्जी वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप है। डिफरेंट टाइप्स के एल्जी जो हैं वो पाए जाते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल हैं क्लोरोकोक्सम, ये सिंगल सेल्ड एल्गा यानी एक सेल पे कंसिस्ट करता है। क्लेमायडोमनास, ये वाटर में रहता है। वॉल्वक्स, ये जो है वो कॉलोनीज में पाया जाता है और ये आराम से मूव कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एल्गा है जो कि मूव नहीं करता। इसके अलावा सीवीड, सीवीड्स भी जो है वो एल्जी हैं और ये डिफरेंट साइज और शेप और कलर्स में पाए जाते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एल्जी। कम टू द नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप इज फंजाई। फंजाई जो है वो भी ना प्लांट्स में आते हैं और ना ही एनिमल्स में आते हैं, बिकॉज फंजाई डू नॉट कंटेन द ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी उनके अंदर ग्रीन मैटर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए अपना ये फूड खुद नहीं बना सकता। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो अपना फूड खुद बना सकते हैं। बहुत सारे फंजाई जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स उनको कहते हैं कि वो अपना जो है वो फूड खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है, अपना फूड जो है वो दूसरे प्लांट से, एनिमल्स से हासिल करते हैं। ऑल फंजाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। इनकी जितने भी फंजाई की बॉडी है वो हाइफी से मिलकर बनी है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हाइफी उससे मिलकर बनी है। दैट टेक इन फूड फ्रॉम द लिविंग और डीकेइंग अराउंड थिंग्स अराउंड देम। इस हाइफी की मदद से फूड इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई, लाइक मशरूम। मशरूम एक फंजाई की एग्जाम्पल, उसको एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। मोल्ड, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंजाई। सम स्किन डिजीजेज़ आर ऑल्सो कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई से कुछ स्किन डिजीजेज होती हैं, जिसमें एथलेट्स फुट इज़ अ कॉमन डिजीज। एथलेट्स फुट जो ये डिजीज है जो ये पाँव के जो उंगलियों के बीच में होती है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ फंजाई। स्केबीज एंड रिंग वॉर्म, दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द फंजाई। ये फंजाई से जो है वो कुछ डिजीजेज होती हैं। नेक्स्ट ग्रुप आर लाइचेंस। लाइचेंस हम किसको कहते हैं, लाइचेंस वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जो फंजाई और एल्जी जब एक साथ रहते हैं, द लिविंग टुगेदर, यानी फंजाई और एल्जी एक साथ जो है वो रहेंगे, एक साथ जो है कॉलोनी में पाए जाएंगे, तो उन उस ग्रुप को जो है वो लाइचेंस कहा जाता है। वो साथ क्यों रहते हैं कि फंजाई एल्जी यानी कि इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि फंजाई जो है वो उसको एडवांटेज पहुँचाएगा और एल्जी जो है वो फंजाई को, यानी फंजाई को जिस चीज़ की नीड है, जिस तरह के फूड की नीड है, वो एल्जी को प्रोवाइड करेगा और एल्जी को जो नीड है वो फंजाई को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये दोनों साथ रहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, लाइचेंस। इसके अलावा इन यहाँ पे यानी कि जो भी ये लाइचेंस जो ग्रुप है, इनके ना ही लीव्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं और ना ही रूट्स होते हैं, तो इस वजह से इनकी क्लासिफिकेशन प्लांट्स में नहीं हो सकती, ये प्लांट्स में नहीं आते। अदर थिंग आर दे कैन लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इनकी जो है वो लाइफ टाइम लाइफ पीरियड जो है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक ये जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आर मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स। मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स भी जो है वो लिविंग थिंग्स के टाइप है। ये क्या है, प्लांट्स के टाइप हैं। दे आर स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स, छोटे छोटे से फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर नहीं होते और ना ही इनके पास रूट्स होती हैं और ना ही शूट्स होते हैं, यानी ट्रू रूट्स और शूट्स नहीं होती हैं प्रेजेंट, तो इसलिए प्रॉपर जो है वो मतलब प्लांट्स के उसमें नहीं आते हैं। बट दे हैव स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ जो है वो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख सकते हैं मॉस कवर्ड ट्रीज, इस तरह से जो है उनका स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट्स और शूट्स तो प्रॉपर नहीं है बट स्टेम जो है वो आपको नजर आ रहा है और लीव्स भी जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और टाइनी हेयर्स होल्ड द मॉस डाउन द ग्राउंड, यानी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो ग्राउंड के अंदर मतलब ग्राउंड से जो है वो अटैच होते हैं। इसके अलावा इनके इनकी बॉडी पर यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स बनते हैं। स्पोर्ट्स कहते हैं, स्पोर्ट्स की मदद से जो है वो न्यू मॉस प्लांट दोबारा बन जाते हैं, यानी इस तरह से जो है वो इनकी रिप्रोडक्शन होती है एक प्लांट से दूसरा प्लांट। So today we will just discuss these things. We have discussed some groups of the living things. Now in the next video we will discuss the more groups. So till then you have to complete your copy work. I will attach one PDF along with this video, so you have to complete your copy work. We will meet you in next video, next class. Till then take care of yourself. Allah Hafiz.